नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उषा की किरण में। मैं हूं दीप्ति, काथिर मोटर्स इंदौर से ब्रेजा 2021 के बारे में आपको रिव्यू बताऊंगी। हम यहां पर जा देंगे ब्रेजा की ऑन रोड कीमत, इसके माइलेज और इसके फीचर्स के बारे में। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं ब्रेजा के फ्रंट लुक से। तो आप फ्रंट खूबसूरत सी आपको क्रोम फिनिश्ड ग्रिल मिलेगी, जिसके बीच में आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिलेगा एस। साथ ही में आप देखेंगे तो इसका हुड काफ़ी ब्रॉड है, जो कि गाड़ी के एसयूवी लुक को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। साथ ही में आपको बम्पर में ब्लैक कलर का गार्निश दे रखा है, जो कि आपको गाड़ी के लुक को काफ़ी खूबसूरत बनाती है। अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है। साथ ही में ब्रेजा में आप VXI की बात करते हैं तो आपको फॉग लैंप्स लगाने के ऑप्शन से अवेलेबल रहेंगे। आप मारुति जेन्युइन एसेसरीज में फॉग लैंप्स एड ऑन करवा सकते हैं दोस्तों। साथ ही में अगर हम इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको हेलोजन प्रोटेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। साथ में इसमें DRLs भी अवेलेबल रहेगी, जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हांस करती है। अगर हम इसके बोनट की बात करते हैं तो आपको एरोडायनेमिक डिज़ाइन का बोनट मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं ब्रेजा के साइड पोर्शन की। अगर आप इसमें साइड में देखते हैं तो आपकी ब्रेजा साइड में कुछ इस तरह से दिखाई देती है दोस्तों। अगर हम देखें तो इसमें 16 इंचेस आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, जो कि हाईवे पर स्टेबिलिटी को काफ़ी मेंटेन करते हैं। साथ ही में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक अवेलेबल रहेंगे, इसमें आपको MacPherson स्ट्रट अवेलेबल रहेगा। साथ ही में टायर में व्हील में अगर आप देखें तो व्हील कैप्स अवेलेबल रहेगी। अब इसमें हम बात करते हैं तो आप साइड में देखिए, आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग है, जो कि पूरे साइड पोर्शन में लेके पीछे तक आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलेगी, जो कि SUV लुक को काफ़ी इन्हांस करती है। अगर आप पीछे साइड में देखें तो आपको टॉरिजन बीम सस्पेंशन मिलेगा। साथ ही अगर आप डोर हैंडल की बात करते हैं तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल एंड बॉडी कलर मिरर मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर, जो कि गाड़ी के लुक को एनहांस करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं गाड़ी के पीछे लुक की। हमारी ब्रेजा पीछे से कुछ इस तरह के लुक की दिखती है। अगर आप देखेंगे तो आपको 3D LED टेल लैंप यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जो कि लुक को काफ़ी इन्हांस करते हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप रहेगा, रियर डिफॉगर अवेलेबल रहेगा। साथ ही में आप बैकडोर गार्निश आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि ब्रेजा की नेमिंग के साथ रहेगी। उसके साथ काफ़ी खूबसूरत सा मारुति सुजुकी का लोगो रहेगा। SUV लुक को इनहांस करने के लिए बैक बम्पर भी आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल रहेगा। आइए अब हम इसकी बूट ऑफ की बात करते हैं। साथ में आप इसमें सेफ्टी में अगर देखें तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है, और आप चाहें तो इसमें एज अ सेफ्टी मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज में कैमरा भी एड ऑन करवा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं ब्रेजा के बूट के बारे में। बूट की बात करते हैं तो आपको 328 लीटर का बूट स्पेस अवेलेबल है, जो कि लगेज कैपेसिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्पेयर्स व्हील आपको बूट के नीचे मिल जाएगा। साथ ही अगर आप देखें तो आप बूट कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो आपको सीट है ये फोल्डेबल मिलेगी। देखिए मैं आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके बताती हूँ। ये देखिए, आप सीट को फोल्ड करके बूट स्पेस गाड़ी का काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। हम बात करते हैं साइड पोर्शन के बारे में, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड फ्यूल टैंक मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी 48 लीटर्स है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर फीचर्स के बारे में। हम कर देते हैं इस सीट को सीधा। अगर आप एंट्रेंस देखेंगे तो आपको काफ़ी वाइड एंट्रेंस मिलेगी पैसेंजर कैबिन में। साथ ही में डोर ऑलमोस्ट 90 डिग्री का ओपन हो रहा है। आइए अब हम अंदर स्पेस की बात कर लेते हैं। कैबिन स्पेस की बात करें तो आपको ब्रेजा में काफ़ी अच्छा हेडरूम मिलेगा। साथ ही में अगर आप लेग स्पेस देखते हैं तो लेग स्पेस भी आपको काफ़ी सफिशिएंट मिल रहा है। एंड अगर शोल्डर रूम की बात करें तो पैसेंजर कैबिन में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। देखिए शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल रहेगा आपको। साथ ही में अगर आप हेडरेस्ट की बात करते हैं तो हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एड्रेस एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप देखेंगे तो आपको 4-door स्पीकर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, साथ ही चारों डोर पर आपको पावर विंडो भी अवेलेबल रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं को ड्राइवर साइड की। अगर फ्रंट में आप को ड्राइवर साइड देखते हैं
तो आपको इसमें एंट्रेंस देखिए काफ़ी कंफर्टेबल वाइड एंड 90 डिग्री अगर गेट ओपन के साथ देखें तो आपको 90 डिग्री में ऑलमोस्ट गेट ओपन हो रहा है। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो फुल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा आपको जो कि गाड़ी के स्पोर्टी लुक को काफ़ी इन्हांस करता है। को ड्राइवर साइड आपको एक ग्लोव बॉक्स अवेलेबल रहेगा, आप कुछ भी छोटा मोटा सामान इसमें अपना रख सकते हैं। साथ ही में अगर आप डोर देखते हैं तो आपको फोर डोर स्पीकर्स अवेलेबल मिलेंगे, साथ ही में फोर डोर पावर विंडो भी अवेलेबल मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर की तो आपको ड्राइवर के साथ को ड्राइवर साइड भी एयरबैग्स अवेलेबल रहेंगे, साथ में ABS विथ EBD भी अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं AC वेंट्स की, तो देखिए काफ़ी आपको अच्छे AC वेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, लेफ्ट साइड राइट साइड प्लस सेंटर में AC वेंट्स अवेलेबल है। आइए अब हम बात करते हैं ड्राइवर साइड फीचर्स की, म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले की। अगर हम ड्राइवर साइड में देखते हैं तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे, फोर डोर आपको यहाँ पर पावर विंडो स्विचेस अवेलेबल रहेंगे, साथ ही में आपको ड्राइवर साइड का पावर विंडो ऑटो डाउन ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, मिरर लॉक ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है, साथ ही में फोर गेट लॉक ओपन एंड ऑन का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अब हम बात करें ड्राइवर सीट कंफर्ट की, तो आपको देखिए सी शेप में सीट दे रखी है जो कि लॉन्ग ड्राइव पे काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी ड्राइवर को, साथ ही में सीट हाइट एडजस्टेबल है, अगर आप चाहें तो सीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में सीट आगे भी हो जाएगी और पीछे की हो जाएगी। बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है जो कि ड्राइव को काफ़ी स्मूथ बनाता है, साथ ही में आपको टिल्ट स्टीयरिंग भी अवेलेबल रहेगा जो कि अप एंड डाउन आप कर सकते हैं आपके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। स्टीयरिंग पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे जिसे आप म्यूजिक सिस्टम स्टीयरिंग से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी चाबी की, अगर चाबी देखें तो आपको स्मार्ट की मिलेगी जिसे आप पुश बटन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन अवेलेबल रहेगा गाड़ी में आपको, साथ ही में अगर हम देखें तो मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, लेफ्ट एंड राइट साइड के मिरर आप इस स्विच से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवल एडजस्ट करने का भी ऑप्शन दे रखा है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के डिस्प्ले की, अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो देखिए आपको स्पीड मीटर के साथ साथ RPM मीटर भी दे रखा है यहाँ पर, साथ ही में आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जिसमें आपको डिजिटल क्लॉक अवेलेबल है, साथ ही में आपको ट्रिप अवेलेबल है कितना ट्रिप है, साथ में अगर आप देखें तो इसमें आपको डिस्प्ले में स्पीड मीटर और RPM मीटर में काफ़ी अच्छा लाइट का ऑप्शन अवेलेबल है, साथ ही में सारे साइनेज आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएंगे, ट्रिप मीटर RPM मीटर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ पर रेंज भी आपको शो हो जाएगी एंड माइलेज भी शो हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम के बारे में, अगर आप म्यूज़िक सिस्टम देखेंगे तो आपको USB ऑक्स के साथ म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा, यहाँ पर आपको USB ऑक्स का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, FM मिलेगा एंड CD का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम के साथ एसेसरी सॉकेट भी मिलेगा जो कि 12 वोल्ट का रहता है। साथ ही में अगर AC की बात करते हैं तो AC प्लस हीटर के साथ साथ आपको ऑटो AC का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। साथ ही अगर आप देखें तो फ्रंट के साथ आपको रियर का डिफॉगर जो है उसका स्विच भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम के ऑपरेट के मोड्स मिलेंगे, AC वेंट्स आपको मिलेंगे सारे जो कि आपने देख ही रखे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड एंड सेंटर में आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में भी एक ग्लोव बॉक्स मिलेगा जिसमें आप आपकी छोटी मोटी चीज़ कैरी कर सकते हैं। साथ ही में हम बात करते हैं सनवाइजर्स की, ड्राइवर के साथ आपको को ड्राइवर साइड भी सनवाइजर मिलेगा जो कि वैनिटी मिरर के साथ अवेलेबल रहेगा, और आपको डे नाइट एडजस्टेबल IRVM भी अवेलेबल रहेगा। अब यहीं पर हम बात करते हैं असिस्ट ग्रिप की, तो आपको को ड्राइवर साइड सर प्लस पैसेंजर कैबिन में आपको असिस्ट ग्रिप अवेलेबल है, साथ में कैबिन लाइट का ऑप्शन अवेलेबल है, और फ्रंट सीट की भी बात करें तो आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे, आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर बात करते हैं तो यहाँ आपको आपको होल्डर कैपेसिटी मिल रखी है, छोटी मोटी चीज़ आप यहाँ रख सकते हैं, बॉटल्स होल्डर कैपेसिटी भी यहाँ पर आपको मिली है, और अगर गियर पे आप देखें तो आपको सिल्वर कलर की नॉब यहाँ पर एसेंस मिली है जो कि गियर के लुक्स को काफ़ी इन्हांस करती है। गियर बॉक्स आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल रहेगा। चलिए दोस्तों ये था गाड़ी का इंटीरियर, अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। आइए दोस्तों अब हम खोलते हैं ब्रेजा के बोनट को,
देखिए ब्रेजा का बोनट काफ़ी भारी है, काफ़ी मजबूत है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर हम देखेंगे तो बोनट पर ब्लैक कलर का इंसुलेशन लगा है, जो भी इंजन की आवाज़ होती है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है। अगर हम इंजन का देखें तो हमें इंजन 1.5 लीटर में अवेलेबल है। अगर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 1462 सीसी में इंजन अवेलेबल है इसका। इंजन 4 सिलेंडर अवेलेबल रहेगा, साथ ही में 4 सिलेंडर में पर वॉल्व आपको, पर सिलेंडर आपको 4 वॉल्व अवेलेबल रहेंगे, टोटल 16 वॉल्व है इसमें। हम इसके अगर पावर की बात करें तो ब्रेजा का इंजन जो पावर जनरेट करता है 77 किलोवाट का करता है 6000 RPM में। साथ ही में अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क 138 न्यूटन मीटर जनरेट करता है 4400 RPM पे। साथ ही में देखें तो हमें यहाँ पर एक्साइड की बैटरी अवेलेबल है, और यहाँ पर अगर आप BS6 इंजन में देखते हैं तो आपको कैटेलिस्टिक कन्वर्टर अवेलेबल रहेगा। ब्रेजा अगर माइलेज अब देखा जाए तो ब्रेजा माइलेज जनरेट करती है 17.03 किलोमीटर पर लीटर का। दोस्तों उम्मीद करती हूँ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्रेजा के फीचर्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दे दी है। अब ब्रेजा अगर आप कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ब्रेजा 970,000 रुपये में ऑन रोड रहेगी। आप 970,000 में अपनी ब्रेजा को अपने घर ले जा सकते हैं। आप इंदौर के आसपास के रहने वाले हैं तो प्लीज़ विजिट करिएगा काथिर मोटर्स इंदौर में। साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही में उषा की किरण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।